गुड़ का पर्व आने पर महिलाओं में खुशी का माहौल छा जाता है। इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। उनके लिए विधवा औरतें गुने भी बनाती हैं, पूजा के लिए प्रतिमा भी तैयार करती हैं, जबकि विधवा औरतें पूजा करते समय अलग बिठाया जाता है। या तो औरत करती हैं, लड़कियां ही करती हैं, विधवा औरतें नहीं करती। ऐसे क्या कारण है जो विधवा औरत पूजा को नहीं करती है? ये स्वार्थ की पूजा है ना, इसलिए आदमी खत्म हो जाता, स्वर्गवासी हो जाता, उसकी औरत देवो गुना नहीं, गणगौर नहीं पूछती है। वो अपने एक ही पति के ऊपर रहती है और ना वो गणगौर पूछती है। ये गणगौर बना रही हूँ कि मैं तो पूज नहीं सकती। आप पूजा नहीं करती हो? पूजा करने लायक भगवान ने रखी नहीं, करती तो खूब। विधवा औरतें सुहागिनों के लिए तैयारियां करती जरूर है, लेकिन पूजा नहीं कर सकती। यह हमारे यहाँ की परंपरा है। गुना बना रहे, साल भर में एक त्योहार आता है गणगौर का, इसलिए बना रहे। तो बनाने में कोई दोष नहीं? बनाने में कोई दोष नहीं, पूजने में दोष है। मैं चाहती हूँ कि संपूर्ण भारत में विधवा महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मिले। सुनीता कसेरा, इंडिया।